इसके लिए हम उन्हीं के पास सामान रखते हैं जो अमानतन दयानतन, जैसे हम बनारस में रखे हुए हैं, हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब के दामाद हैं उनके पास, लखनऊ में हम रखे हुए हैं दरख्वास्त पे हजरत मौलाना अहमद हातिब साहब हैं उनके पास, देवबंद में हम रखे हुए हैं हजरत मौलाना हुसैन साहब के पास, और यहाँ अमरोहा में हम रखे हुए हैं। पूरे यूपी में चार जगह पर सामान का निज़ाम बनाया गया है, तो इन्हीं चार जगहों में जितने रेट में आता है उसी रेट में आगे भेज दिया जाता है। अलबत्ता मुअल्लिमीन के लिए कह दिया जाता है कि आप 10 रुपया इसके अंदर बढ़ा कर ले लीजिएगा, ताकि आप कहीं से लेने के लिए जब आते हैं तो आपका 150 रुपया ही खर्च होता है, तो वो जो खर्च होता है उसका पैसा आपको मिल जाए, आपका कोई इतना साथी ना खर्च हो। तो इसके लिए ये सारी तरतीब आपके सामने रखी जा रही थी। इसके अंदर जो रेट का मसला है, इस किताबों के ऊपर रेट भी पड़ा हुआ है तमाम चीजें, ये हुआ था कि मार्केट वालों की तरफ से और ख़ास तौर पर स्कूल वालों की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम स्कूल का निसाब लेते हैं तो दो तरह की हमें छूट दी जाती है। एक तो ये छूट दिया जाता है कि आप किताब अभी ले लो, जब एडमिशन होगा तब आप 30% पैसा दे देना, जब एडमिशन हो जाएगा तो 50% पैसा दे देना, उसके बाद आप अखीर के अंदर पूरा पैसा वापस कर देना, जो बच्चे की किताब वो भी वापस कर देना। एक शक्ल ये थी। दूसरी शक्ल ये थी कि किताब होती थी 100 रुपए की, लेकिन रेट बढ़ा लिख दिया जाता है 250 रुपया, अब उन्हें 30% छूट दे दिया जाता है, 50% के 60% छूट दे दिया जाता है, अब वो 100 रुपए की किताब 140 रुपए की आपको मिल जाती थी, हम लोग खुश हो जाते थे कि भैया ये तो 60% छूट इन्होंने दे दिया। तो इस पर भी पाबंदी लगाई गई कि हमें अपनी किताबों के ऊपर इतना रेट नहीं डालना है जितना हम कंसेशन के ऊपर जाएं, वही रेट डालो जो जरूरत की है, जितना खर्च आए उसी रेट पर आप डालो और वही रेट रहे आगे भी, रोजाना बढ़ने का भी नाम ना है। तो इसके लिए हमारे अकाबरीन की तरफ से जीरो कोर्स का जो निज़ाम था वो गालिबा 85 रुपये की 85 रुपये की है, फर्स्ट की बुक जो है वो 120 रुपये की है, सेकंड जो बुक है वो 120 रुपये की है, थर्ड जो बुक है वो 110 रुपये की है, और इसी तरह फोर्थ की जो बुक है वो 90 रुपये की है, और फिफ्थ की जो बुक है वो 110 रुपये की। लेकिन 110 रुपये 120 रुपये की जो बुक है उसके अंदर मुअल्लिमीन के लिए 15-18% का छूट दिया जाता है, तो वो बुक जा करके आपको 100 रुपये के अंदर ही पड़ जाती, कोई 92 रुपये की बुक पड़ जाती, कोई 97 की पड़ जाती, और कोई 72-74 रुपये की पड़ जाती, कोई 62 रुपये की पड़ जाती, इस तरह की ये किताबें पढ़ती हैं। उमूमन हम लोगों को एक भारी लगता है कि यार 62 रुपये की किताब, 100 रुपये की किताब तो बहुत महंगा है, हालांकि वही बच्चा पूरे साल में 54 उर्दू कम से कम 4-5 मरतबा लेता है और फाड़ देता है। पूरे साल में वो बच्चा नूरानी कायदा कम से कम 8-10 मरतबा लेता है और फाड़ देता है, गायब कर देता है। जैसे वो बच्चे का 1-2 पेज फट जाता है, मस्जिद है तो मस्जिद में छोड़ देता है, मदरसा तो मदरसे में छोड़ देता है। अगर ये एक किताब को साल के शुरू में 1 मरतबा ले लेंगे तो पूरा साल चलेगा, इसका फायदा भी इतना ज्यादा होगा कि बच्चे के हाथ में जब किताब रहेगी तो एहसास होगा कि हाँ ये किताब कोई मुनज्जम किताब है, इसके लिए इतने अच्छी और शानदार बनाया गया है। इसके लिए आप हजरात के सामने ये रखा गया है। बैग का जो रेट है वो 75 रुपए बैग का है, यूनिफॉर्म का रेट है बच्चों का, जो ये बच्चे पहन रखे हैं ये यूनिफॉर्म का जो है वो 270 रुपया है, बच्चियों का जो यूनिफॉर्म है स्कार्फ और बुर्का वो 280 रुपये का। ये वो चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग पहले छानबीन लेते हैं उसके बाद कहीं जाकर के अदद। ये असल हमें सस्ता इसलिए तैयार हो जाता कि हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तैयार कराते हैं, तो वो जाकर के हमें सस्ता हो जाता है। अगर आप लोगों में से किसी को अपने इलाकों में इससे कम पैसे में अगर तैयार हो जाएगा तो आप हमें भी बता दीजिएगा, ताकि हम भी वहां से तैयार करा करके इंशाल्लाह और सस्ते में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश यही रहती है कि हम इसको जितना भी सस्ता हो सके उससे ज्यादा सस्ते में दें, ताकि कमर्शियल ना हो पाए। इसीलिए हमारे बुक स्टोर का जो निज़ाम है वो रोजाना हमारे अकाबरीन के सामने शाम पे पहुंचता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई किताब 60 रुपए की आ रही है उसे 80 रुपए में बेच दिया जाए।
इसलिए आप हजरात फिर से दरखास्त है, जब आप इलाके में काम करना शुरू करेंगे आप, तो इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप जब अभी वापस जाएंगे अपने जिम्मेदारान के पास, तो वो जिम्मेदारान आपसे यही सवाल करेंगे, कुछ सीख कर आए, क्या देख कर आए, क्या लेकर आए, क्या देखकर आए। तो उन जिम्मेदारान के जहन साजी करने के लिए जरूरी होता है कि हम उनके सामने ये चीजें जब रखेंगे कि हमारे बड़ों की तरफ से ये फैसला हुआ है, वक्त का यही चैलेंज है और हालात का यही तकाजा है, जिसके लिए हमारे अकाबरीन की ये कोशिशें हैं कि हम यहाँ पर इस निजाम को शुरू करें, जिसके लिए माशाल्लाह ये बैग की तरतीब है, ये किताबों की तरतीब है, ये यूनिफॉर्म का पूरा निजाम है, ये स्कार्फ और आई कार्ड का पूरा निजाम है, ये रिजल्ट कार्ड का है, हाजिरी का है, ये तमाम चीजों का ये पूरा सिस्टम है, ये सब मिल करके एक मुनज्जम मकतब बनता है। इसलिए आप हजरात के सामने ये सारी चीजें रखी गई। बहर के कल मगरिब बाद से लेकर के और बल्कि असर बाद से लेकर के आप हजरात से मुसलसल तरीके तालीम के सिलसिले में बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हुई भी हैं, बहुत सारी बातें अभी बाकी भी हैं करने के लिए। कुछ बातें तो इस बार हमने की है, कुछ बातें तो आइंदा हम दूसरे टाइम पर करेंगे, क्योंकि हम पहली मर्तबा किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं तो हम सुनते हैं, फिर उसमें हम खो जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ सवाल हमारे सामने आ नहीं पाते, इसलिए कि हमने उस काम को किया नहीं है। जब उस काम को थोड़ा बहुत करते हैं तो उसके तजर्बात आते हैं, उसमें मुश्किलात जो आती है उसका तब सवाल पैदा होता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हमने छोड़ भी दी हैं, वो आइंदा जब दोबारा हजरात आएंगे तो उसको हम रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्योंकि हम लोग मुस्तकिल इस काम के अंदर दिन रात लगे हुए हैं, तो जो परेशानी मकातिब में हमें आई है वही आपको भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी परेशानी आएंगी हमें दूसरी परेशानी, बल्कि वही परेशानी आएंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आइंदा के लिए छोड़ दिया है। बहर के हमने आपके सामने ये ऐलान किया था कि जुहर के बाद जो एक घंटे का ये निजाम है, जिसके अंदर बताया गया कि पांच सब्जेक्ट हैं, नंबर एक कुरान है, नंबर दो हदीस है, नंबर तीन अकाइद मसाइल है, नंबर चार सीरत इस्लामिक जनरल नॉलेज है, नंबर पांच उर्दू है, इसके बारे में बताया गया था कि कुरान करीम को आपको 40 मिनट पढ़ाना है, 30 मिनट नूरानी कायदा पढ़ाना है, 10 मिनट आपको हिफ्ज़े सूरा की मशक करानी है, 5 मिनट आपको दुआ सुन्नत पढ़ाना है, 5 मिनट आपको अकाइद पढ़ाना है, 5 मिनट आपको सीरत इस्लामिक